एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रीयन्ताम् प्रभाषकः ध्रुव भट्टराई नेपाली कांग्रेस दलस्य वरिष्ठ नेता पूर्व सभामुखश्च रामचन्द्र पौडेलः राष्ट्रपतौ निर्वाचितो वर्तते। राष्ट्रस्य तृतीय राष्ट्रपते ह्य सम्पन्ने मतदाने पौडेलः 33,000 द्वितराष्ट्रशतं च मतभारं प्रापत्। पौडेलः संघीय सांसदानं 14,200, प्रदेश सांसदानं 52,300 च मतानि अलभत। राष्ट्रपति पदस्य अपर प्रत्याशी पूर्व सभामुख नेकपा एमाले दलस्य नेता च सुभाष चन्द्र नेमाङ 15,000 च मतभारं प्राप्तवान्। नेमाङ संघीय सांसदानं 98, प्रदेश सांसदानं 62,000 च मतानि प्रापत इति निर्वाचन आयोगो ज्ञापयति। निर्वाचने संघीय सांसदस्य 1, प्रदेश सांसदानं 4 चेति कृत्वा 5 मतानि निरस्तीकृतानीति आयोगेन ज्ञापितं वर्तते। निर्वाचने 13,000 संघीय सांसदा 18,500 प्रदेशसभा सदस्याश्च मतदानम् अकुर्वन्। अत्रान्तरे नवानां दलानां पक्षतो राष्ट्रपते प्रस्तुत प्रत्याशिताय नेपाली कांग्रेस दलस्य वरिष्ठ नेत्री रामचन्द्र पौडेलाय राष्ट्रपति पदे निर्वाचनस्य प्रमाणपत्रं प्रदत्तं वर्तते। नयाँ बानेश्वर स्थिते संघीय संसद भवने अस्मै ह्यो निर्वाचन आयोगस्य प्रमुखायुक्त दिनेश कुमार थपलिया निर्वाचनस्य प्रमाणपत्रमिदं प्रदत्त। कार्यक्रमे निर्वाचनाधिकृतेन महेश शर्मा पौडेलेन निर्वाचनस्य मतपरिणाम उद्घोष्य नेता रामचन्द्र पौडेला निर्वाचित इति ज्ञापितम् आसीत। तदवसरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः नेपाली कांग्रेस दलस्य सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा एकीकृत समाजवादी दलस्य अध्यक्ष माधव कुमार नेपालः लोकतान्त्रिक समाजवादी दलस्य अध्यक्ष महन्त ठाकुरः नागरिकोन्मुक्ति दलस्य अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठः जनमत दलस्य अध्यक्ष सीके राउतः निर्वाचन आयोगस्य आयुक्ता विभिन्नानां राजनीतिक दलानां नेतारः कार्यकर्तारश्च सहभागिन आसन्। राष्ट्रस्य तृतीय राष्ट्रपतौ निर्वाचित नेपाली कांग्रेस दलस्य वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलः मातु ऋषिमाया पितु दुर्गा प्रसाद पौडेला च 1200 विक्रम वर्षस्य आश्विन मासस्य 29 दिवसे तनहु जनपदस्य तात्कालिकै मिर्लुङ बाहुन पोखरा स्थानीय लब्धजनमा आसीत। यतस्य पत्नी सविता पौडेला 34 पुत्र्या 1 पुत्रश्च सन्ति। असौ संस्कृत साहित्य शास्त्री स्तरस्य नेपाली साहित्य च स्नातकोत्तर स्तरस्य शिक्षा प्राप्तवान् वर्तते। गत मार्ग शीर्ष मासस्य चतुर्थी दिवसे सम्पन्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यस्य निर्वाचने असौ तनहु जनपदस्य प्रथम क्षेत्रात् निर्वाचितो वर्तते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः राष्ट्रपतौ निर्वाचितं नेपाली कांग्रेस दलस्य वरिष्ठ नेतारं रामचन्द्र पौडेलं वर्धापनं ज्ञापयति। राष्ट्रपति पदे विजयिने पौडेलाय नयाँ बानेश्वर स्थितं संघीय संसद भवनं गत प्रधानमन्त्री प्रचण्डः वर्धापनं सफल कार्यकालस्य शुभकामनां च प्रायच्छत्। राष्ट्रपतौ निर्वाचिताय पौडेलाय नेपाली कांग्रेस दलस्य सभापतिना सफलताय वर्धापनं प्रदत्त। अनेन संविधान लोकतन्त्रयो संरक्षण पुरस्सरं जनभावनाय अनुसारेण संयुक्त एकताय प्रतीकस्य प्रवर्धन कार्ये नवीन राष्ट्रपति भूमिकां दायित्वं च केन्द्रीकर्तुमपि बलं दत्तमस्ति। राष्ट्रपति पदस्य प्रतिस्पर्धिना नेकपा एमाले दलस्य उपाध्यक्षेण सुभाष चन्द्र नेमाङ इत्यनेन राष्ट्रपति निर्वाचनस्य परिणाम आत्मना सौहार्देन स्वीकृतो स्थिति गदति। राष्ट्रपते ह्य सम्पन्ने निर्वाचने नेपाली कांग्रेस दलस्य वरिष्ठ नेतु रामचन्द्र पौडेलस्य विजयस्य पश्चात् संचारकर्मीसह भाषमाण असौ लोकतन्त्रे विश्वासवद्भि जनै प्रतिस्पर्धां विश्वासु विधेय इति धारणां व्यक्तवान्। उपाध्यक्ष नेमाङ राष्ट्रपति सदृशे सम्मानित पदे नेतु पौडेलस्य निर्वाचनम् आलक्ष्य कार्यकालस्य सफलताय वर्धापनं शुभकामनां च प्रदत्त। संविधानस्य विदेश अनुसारेण राष्ट्रपति भूमिकां सफलतापूर्वकं निर्वोढुं परामर्शनं ददत् उपाध्यक्ष नेमाङ राष्ट्रपतौ विजयिने पौडेलाय स्वस्य सहयोग समर्थनं च भवत इति उदयरयत। पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादी दलस्य अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कथयति नवनिर्वाचितेन राष्ट्रपतिना देशस्य सर्वोपरि हितं ध्यात्वा कार्यं विधातव्यम्। राष्ट्रपति निर्वाचनस्य पश्चात् ह्य संचारकर्मिभ्य संक्षिप्त प्रतिक्रियां ददत् अध्यक्षो नेपाल अवोचत् राष्ट्रपतिना संविधानेन प्रदत्तानाम् अधिकारणां परिधौ स्थित्वा स्वस्य दायित्वं पूरणीयम्। अध्यक्षो नेपाल गणतन्त्र संहिता प्रवृत्तीनाम् उपलब्धीनां रक्षणेन सह
सर्वेषाम राजनीतिक दलानां विश्वासं विजित्य अग्रे वर्धितं नवनिर्वाचितं राष्ट्रपतिं परामृष्टवान्। जसपा नामना जनता समाजवादी दल नेपालेन दलस्य नेताराम राम सहाय प्रसाद यादवम उपराष्ट्रपति प्रत्याशिनम निर्धारितुम निर्णितम वर्तते। जनता समाजवादी दल नेपालस्य केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ह्य उपविष्टेन उपवेशेन केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यम यादवम उपराष्ट्रपति प्रत्याशिन रूपेण पुरस्कर्तुम निर्णितमिति दल प्रवक्ता मनीष सुमना अज्ञापयत। यादव बारा जनपदस्य द्वितीय निर्वाचन क्षेत्रात् प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचितो वर्तते। उपराष्ट्रपति निर्वाचनम चैत्र मासस्य तृतीय दिवसे सम्पत्स्यमानं वर्तते। मन्त्री परिषद उपवेशेन संक्रमणकालिका न्याय सम्बद्धं विधेयकं प्रतिनिधि सभायां पञ्जीकर्तुं निर्णितम् अस्ति। नवदलीय गठबन्धने धृताय सहमते अनुसारेण ह्य उपविष्टेन मन्त्री परिषद उपवेशेन पश्चात्तन संक्रमणकालिका न्यायं शीघ्रं निष्कर्षं प्रापयितुं विधेयकस्य पञ्जीकरणार्थं निर्णितं वर्तते। एवमेव मन्त्री परिषद उपवेशेन फल व्यञ्जनादि खाद्य वस्तूनां विषादि परीक्षण सम्बद्धं प्रस्तावं मन्त्री परिषद विषयगत समितिं सम्प्रेष्य विमर्शनस्य पश्चात् मन्त्री परिषदि प्रस्तुतुं च निर्णितं वर्तते। संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा कथयति जनसञ्चारस्य सूचना प्रविधिस्य स्वास्थ्य सेवा सुधारी उपयोगस्य नित्या सर्वकारण प्रक्रिया अग्रे वर्धापिता अस्ति। स्वास्थ्य सेवा विभागेन ह्यः काष्ठमण्डपे आयोजितं महिला स्वास्थ्य सम्मेलनम् उद्घाटयन्ती मन्त्री शर्मा प्रभावकारी दूर चिकित्सा वैद्युत प्रविधि सञ्चेतना प्रवृत्ति कार्यक्रमैः स्वास्थ्य सेवाय सुधाराय प्रक्रिया अग्रे वर्धापयते अज्ञापयत। मन्त्री शर्मा अगदत् संविधानले प्रजनन स्वास्थ्यस्य उल्लेखनं महती उपलब्धि अस्ति इत्यतः अस्या क्रियान्वयनाय सर्वै क्षेत्रे गभीरेण ध्यानं देयम्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसस्य अवसरे सम्प्रत्येव प्रधानमन्त्रिणा महिलानां स्वास्थ्य सम्बन्धी विहितं विशेष घोषणां स्मारयन्ति मन्त्री शर्मा अस्य प्रभावकारिणी क्रियान्वयनाय स्वास्थ्य मन्त्रालयम् अनुरुणत। स्वस्थ नागरिकाणां कृते सर्वाभि मातृभि सुस्वास्थ्याभि भाव्यमिति चर्चयन्ती मन्त्री शर्मा अगदत् महिलानां स्वास्थ्यं नागरिकाणां सबल राष्ट्र निर्माणस्य च आधारः निर्मातव्यः। दिनद्वयावधिं यावत् सञ्चाल्यमानेन अनेन सम्मेलनेन महिलानां स्वास्थ्य सम्बद्धां नीतिं निर्मातुं सहयोग प्राप्यते इति स्वास्थ्य सेवा विभागेन ज्ञापितं वर्तते। आगामिनो वैशाख मासस्य दशमी दिवसे सम्पत्स्यमानाय चितवन जनपदस्य द्वितीय निर्वाचन क्षेत्रस्य प्रतिनिधि सभाया सदस्यस्य उपनिर्वाचनाय पञ्जीभूतेभ्य अष्टादशभ्य राजनीतिक दलेभ्य निर्वाचन योगेन निर्वाचन चिह्नं प्रदत्तं वर्तते। पञ्जीभूतेभ्य राजनीतिक दलेभ्य चतुस्सप्तत्यधिक द्विशतम विक्रम वर्षीयस्य प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनाधिनियमस्य एकत्रिंशत् प्रकरणस्य प्रथमोपकरणस्य अनुसारेण निर्वाचन चिह्नानि निर्धार्य सम्बद्ध दलेभ्य प्रदत्तानि सन्ति। अधिकार दुरूपयोगानुसन्धान युगस्य समूहेन ललितपुर महानगरपालिकाया शिक्षा महाशाखायां कार्यरत शिक्षाधिकृत शेषकान्त पौडेल एकलक्षण उत्कोच वित्तेन सह यो निगृहीतो वर्तते। आयोगस्य टंगालस्थानात् गतेन समूहेन शिक्षाधिकृत पौडेल एकलक्षण उत्कोच वित्तेन सह निगृहीत इति आयोगस्य सहायक प्रवक्त्रा देवी प्रसाद थपलिया भिदेन प्रकाशित विज्ञप्तौ उल्लिखितं वर्तते। शिक्षकाणां स्थानान्तरणाय सहजीकरणं विहितम् इत्युक्ता सेवाग्राहीभ्य उत्कोच ग्रहणस्य अवस्थायां रूप्यकै सह पौडेल कार्यकक्षादेव आयोगस्य समेन नियन्त्रितोऽस्ति। एतद्विषये अतिरिक्तम् अनुसन्धानं विधीयमानमस्ति च विज्ञप्तौ उल्लिखितं वर्तते। इति समाचारः।